हेलो, वॉइस क्लियर यस सर। चल, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। लास्ट टाइम हम अप काउंटर और डाउन काउंटर बता चुके थे। अब एक जो अप और डाउन काउंटर, ये हेडिंग डालिएगा, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ उसको क्या है। जैसे हम लास्ट टाइम बना रहे थे वैसे ही स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे। ये हो गया हमारा टॉगल के लिए इनपुट। इसको यहीं पर लॉजिक फोन दे देते हैं, लंबी लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। देन एक क्लॉक प्रोवाइड करते थे हम लोग, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। देखिए, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग को हम दोनों में यूज कर सकते हैं, मैंने तरीके बता दिए थे आपको। एक क्लॉक हम प्रोवाइड करते हैं, बाकी मतलब एक एक्सटर्नल क्लॉक होती है, बाकी आपके जो आउटपुट्स होते हैं वो नेक्स्ट स्टेज के लिए इनपुट का वो क्लॉक का काम करते हैं। फिर एक हमें कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है एंड गेट का, मतलब एंड और कॉम्बिनेशन लेना होता है क्लॉक प्रोवाइड करने के लिए। इसी तरह इसमें भी लेंगे हम। ड्रॉ कर रहा हूँ, देखते जाइए कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, एक बार पैटर्न सीख लेंगे तो ड्रॉ हो जाएगा हमेशा। ठीक है, एक जो इनपुट है हम दोनों आउटपुट से दे दे रहे हैं, और एक इनपुट हम अलग से देंगे जो हमारा कंट्रोल सिग्नल होगा।
अगर हम ये जो एम सिग्नल है अपना, ठीक है, इसको अगर हम वन रखते हैं तो ये काउंटर एक्ट्स एज अप काउंटर, एंड इफ एम इज इक्वल टू जीरो देन इट बिहेव्स लाइक डाउन काउंटर। ठीक है, अब ऑपरेशन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, अगर हम अप काउंटर भी देखना चाहें और डाउन काउंटर भी देखना चाहें तो दोनों ही इसी में हैं, बस चेंजेस कहाँ आ रही हैं कि हम एक कॉम्बिनेशन अलग से रख रहे हैं, एक एंड और लॉजिक रख रहे हैं। ठीक, अब समझिए कि अगर हमारा एम इक्वल टू वन है, ठीक है, ये एम इक्वल टू वन है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा इस वाले एंड को, वन, और ये जीरो हो जाएगा इस जगह, तो ये, अच्छा एक चीज ये ड्रॉइंग नहीं हो पाई, ठीक, हाँ ये यहां पर क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, ये वन है और ये जीरो है, तो वन वाली जितने भी लाइंस हैं, जितने भी उससे कनेक्टेड, जैसे ये वाला है और ये वाला है, तो इसमें तो वन इनपुट जाएगा, और ये नीचे जीरो वाली लाइन पे ये वाला क्या हो जाएगा, और ये वाला, ये जीरो देने लगेंगे। ठीक है, तो सिर्फ ऊपर वाली लाइन में जो एंड कनेक्टेड है बस वही काम करेगा, और वो आउटपुट पे क्या देगा, जो भी आपका क्यू ए होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्यू बी होगा। ठीक है, अब काउंटर में भी ऐसा ही होता था कि हम डायरेक्ट लाइन लेते थे क्यू ए और क्यू बी की, लेते थे ना, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के साथ में हम सीधे क्यू ए को कनेक्ट करते थे क्लॉक से, तो वही काम अभी भी हो रहा है, क्योंकि नीचे वाला ये वाला तो जीरो हो जा रहा है पूरा, ये डीएक्टिवेट हो जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, जीरो प्रोवाइड कर रहे हैं, ऊपर वाले में वन कर रहे हैं, तो ये वाले दोनों जीरो प्रोवाइड करेंगे तो और गेट में। ठीक है, तो सिर्फ हम क्या देख रहे हैं कि क्यू ए लाइन, क्योंकि यहाँ पर वन कनेक्टेड है ऊपर इस जगह पे, हाँ यहाँ पे, ठीक है, तो सिर्फ आउटपुट क्या आएगा एंड गेट का, क्यू ए, और वही आगे जाएगा क्लॉक की तरह। उसी तरह यहाँ पर भी कि हमारा वन इंटू क्यू बी इज इक्वल टू क्यू बी, और क्यू बी ही आगे बढ़ेगा क्योंकि ये वाला नीचे वाला एंड गेट जो है वो डीएक्टिवेटेड है, तो ये एक अप काउंटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरो कर दें और इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो ये नीचे वाले चलेंगे और ये वाला कैंसिल हो जाएंगे ऊपर वाले। ठीक है, तो आपका आउटपुट कहाँ से मिलेगा, ये क्यू ए वाला आउटपुट तो आएगा नहीं, तो आउटपुट क्यू ए बार मिलने लगेगा, और यहाँ पे क्यू बी बार। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के साथ अगर हमें करना है तो एक मेथड ये भी बताया था कि हमें आउटपुट जो लेना, मतलब क्लॉक आउट इनपुट जो लेना होगा वो कॉम्प्लीमेंटेड लेना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? यस सर, ठीक है, तो मैं केसेस लिख दे रहा हूँ आपको कि अगर हम नॉर्मली क्या करते थे, नेगेटिव एज प्लस जो क्यू आउटपुट एज अ क्लॉक, तो ये कैसे बिहेव करता था, अप काउंटर। ठीक है, दूसरा केस, नेगेटिव एज प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट एज अ क्लॉक, तो ये क्या करेगा, डाउन काउंटर की तरह बिहेव करेगा। फिर पॉजिटिव एज, कल हमने किया भी था इसको, पॉजिटिव एज और क्यू एज क्लॉक, तो ये डाउन काउंटर। ठीक है, और पॉजिटिव एज प्लस क्यू बार एज अ क्लॉक, तो ये अप काउंटर। ये क्लियर टेबल, ये मैं केसेस बता रहा था कि ये बस कॉम्बिनेशन तुम लोग देखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखना, डायग्राम नोट कर लो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हेडिंग डालिएगा,
डिजाइन ऑफ, ये कौन कर रहा है यार, रोटेशन बंद करना पड़ेगा। इससे आएगा भी नहीं। डिजाइन ऑफ डिवाइड बाई एन काउंटर, मतलब एन रिपल काउंटर। ठीक है, तो इसके प्रोसीजर में देख लो क्या क्या चीजें होती हैं। ये भी अभी रिपल काउंटर ही चल रहा है, मतलब एसिंक्रोनस टाइप का काउंटर ही चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या स्टेजेस हैं, कितनी स्टेजेस हैं। तो टोटल स्टेजेस कितनी हैं यहाँ पर, नाइन, सॉरी एन स्टेजेस। ठीक है, जितनी भी स्टेजेस हैं पहले हम वो ध्यान देते हैं, उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड। ठीक है ना, कैसे निकलेगा पता है ना, एन इज इक्वल टू लॉग बेस टू टू द पावर एन। टू द पावर एन, हाँ नहीं सॉरी गलती हो गई, फॉर्मूला क्या होता था हमारा, टोटल एन स्टेजेस इज इक्वल टू टू रेस टू पावर एन। तो ये आपको देता था, अब दोनों तरफ अगर लॉग लेंगे तो ये लॉग एन बेस टू और ये एन आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फिलहाल ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप निकाल सकते हैं। फिर कनेक्ट दी एन फ्लिप फ्लॉप्स एज अ रिपल काउंटर। ठीक, जैसे हम लोग अभी तक करते चले आए। फिर क्या करना है, ध्यान देना प्लीज, ये पूरा ये आपको इसी तरह क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, फिर फाइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल एन। ठीक, अभी इसका एग्जांपल कराऊंगा तो समझ में आएगा। तो फाइंड द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल एन, मतलब अगर आपकी स्टेजेस 10 है तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एन इक्वल टू अगर 10 है तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 1010। ठीक, ये बता रहे हैं वो। फिर बोल रहे हैं कनेक्ट ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आउटपुट दैट आर वन एट द काउंट एन ऑफ द काउंटर एज एन इनपुट टू द नैंड गेट। ठीक है, उसका नैंड गेट का हम लोग करेंगे क्या क्या, कि हम एक क्लियर इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो जहां जहां पर भी वन है, ठीक है, इन एन मतलब एन जो भी होगा आपका एन बाइनरी, ये आपको पता है ना कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। तो जहां जहां पर भी वन है, ये है वन, ये है वन, ये आउटपुट जहां भी आते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या करना है, ऑल वन आउटपुट्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू नैंड गेट एंड गिवन टू दी सी एल आर क्लियर इनपुट। ठीक है, मैंने क्लियर पहले बताया हुआ है आपको।
हम उसका एक क्लियर इनपुट बनाएंगे और वहां प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारा कि वी हैव टू डिजाइन अ मॉड 6 रिपल काउंटर, ठीक है। मॉड 6 रिपल काउंटर मतलब एन क्या है इसमें 6, ठीक। तो एक एक करके हम स्टेप देखते चलते हैं। देखिए मॉड 6 है ये कोई, क्योंकि मॉड 8 है, मॉड 4 है, ठीक है, मॉड 16 है, ये तो हमारी ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली हम बना सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि हम हमारी दो स्टेट्स, जैसे हम 8 स्टेट का बना सकते हैं, उसी से हमें बनाना पड़ेगा इसको भी, लेकिन दो स्टेट्स क्या हो रही हैं हमारी, बेकार हो रही हैं, 7 और 8 वाली, सॉरी 6 और 7 वाली बेकार हो जाएंगी। तो उस केसेस में क्या होता है कि हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं कि इसका एक रूल है, ठीक है, वो ध्यान देते जाइएगा। पहले बताइए कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज कर रहे हैं हम लोग, वी हैव टू यूज कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज करेंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। मॉड 4 तक हमारा 2 फ्लिप फ्लॉप काम करता है, फिर मॉड 8 में क्या होता है, 3 फ्लिप फ्लॉप काम करने लगेगा, तो दोनों के बीच में हमारा 6 है, तो 3 फ्लिप फ्लॉप तो लगेंगे ही, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग इसको डिजाइन करते हैं वैसे ही डिजाइन करिए, ठीक है, जैसे एक रिपल काउंटर को डिजाइन करते हैं वैसे हम लोग इसको भी डिजाइन करेंगे। तो हम पहले एक बार डिजाइन कर लेते हैं कि सिंपल जनरली हम लोग क्या करते हैं, देखो ये स्टेट्स हैं हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये सपोज हो गया 0, 0, 0, 0, 0, 1, इधर लिख दूँ 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, इसके बाद क्या आनी चाहिए थी, एक ये हमने डमी बना ली थोड़ी सी, यहाँ आना चाहिए था 1, 1, 0, ठीक है। लेकिन हम हमें उसको वो चाहिए नहीं, ठीक। हम कैसे चल रहे हैं, पहले हम आते हैं इस पर, फिर आते हैं इस पर, फिर 3, ये अब काउंटर टाइप का चल रहा है, फिर 5 पे, उसके बाद हमें जाना चाहिए 6 पे। लेकिन अब देखिए होना क्या है इसमें, ये 1 हो गया, 2, 3, ठीक। हम इसमें एक क्या देते थे, टॉगल, क्लॉक कौन सी होती थी, नेगेटिव एज, योगी क्लॉक, ठीक है। ये लाइन पूरी हमने एक साथ बना ली और यहाँ प्रोवाइड कर दिया 1, ठीक, JKQA, तो ये आपका हो गया QA, QB एंड QC। इसको हम लोग लेते थे क्या LSB, इसको MSB, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये जो क्लॉक होती थी, मतलब ये जो आउटपुट होता था, हम यहाँ पर एज ए क्लॉक देते थे,
फिर ये जो आउटपुट होता था हम एज अ क्लॉक यहाँ प्रोवाइड करते थे, ठीक है। अब इसमें इन्होंने उसके बाद पॉइंट लिखा है कि फाइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन। अब एन यहाँ पर कितना है हमारे पास, क्योंकि एन इज इक्वल टू 6 है, तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 3 बिट में, 1 1 0, ठीक है। तो 1 1 0 जैसे आ गया, तो उसने बोला है कि जितने भी वन है, वन आउटपुट्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू एंड गेट, सॉरी नैंड गेट, क्लियर। तो हमें कौन कौन से कनेक्ट करने पड़ेंगे, एक हम एक काम करते हैं, एक नैंड गेट यहां पर बना ले, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आउटपुट्स आएंगे, जो एमएसबी पे है और एक उसके जस्ट पहले वाला एलएसबी को छोड़ के दोनों, ठीक है ना। तो एक तो हमने ये लिया और ऐसे कनेक्ट कर दिया, और एक हमने ये उठाया, ठीक। और इसका आउटपुट, फिर इसका हमने आउटपुट निकाला, और इसका आउटपुट हमने हर जगह पर क्लियर सिग्नल के रूप में दे दिया, जैसे ये है तो एक यहां दिया, एक यहाँ पे, ठीक है। और इसी में से निकाल के हम यहाँ ले गए, ये हमारा क्या है, सी एल आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको देने से क्या हुआ, देखिए ये जो वन वन थे, ठीक है, तो ये दोनों हमने इनपुट यहाँ पर दे दिए, ठीक। ये आउटपुट मतलब एज इनपुट काम कर रहा है एंड नैंड गेट के लिए, तो ये भी वन है, ठीक है, और ये भी वन है, तो 1 इंटू 1 1, फिर यहां से 0 मिलेगा, तो 0 सब पे जाएगा, ठीक है। और उसको क्या कर देंगे, वो क्लियर कर देंगे, जो कि 6 होने वाली थी, यहां पर देखिएगा ये 5 के बाद, ठीक है, 5 के बाद 6 आने वाला था, तो 6 ना के ये इधर चला गया 0 पे, ठीक है। फिर अगेन आपका जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता रहेगा, समझ गए, बोलिए। नहीं आया तो जल्दी बता दो यार, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, मैं और भी करना है डिस्कस। सर एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बता दे, बहुत पहली बार पे बहुत अटेंशन के साथ बैठा करो, ठीक है, मेरे पूछने पर मत बोला करो। ये जैसे हम रिपल काउंटर बनाते थे पहले, सपोज हमें 8 का बनाना है, ठीक है, तो हम मॉड 8 का जब बनाते हैं तो 3 फ्लिप फ्लॉप लेते हैं और टॉगल मोड देते हैं, तो सबको हमने टॉगल मोड में भी रख दिया। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग लेते हैं, ठीक, वो तो यहां तक हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि हमारे पास 0001 0010 0010 0101 0010 5, मतलब 0 to 5 तक लेना होता है, ठीक है। ऐसे कितने आते हैं, 1 1 1 तक आएगा, लेकिन हम वहां तक तो करेंगे नहीं, हमें 0 to 5 लेना है, और 5 के बाद फिर से 0 पे आ जाना है। तो इसमें बोला था कि जो भी एन ये स्टेज लिखी हुई है, कैपिटल एन की वैल्यू जो है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ये, ठीक है। और जहां जहां पर भी वन है इसमें, वही कहीं ना कहीं आउटपुट पे होंगे ना ये 1 1 0, आउटपुट पे आते हैं या तो क्यू ए क्यू बी क्यू सी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू, बताइए एम एस बी है आपका सी, फिर क्यू बी, फिर क्यू ए। तो हम क्यू सी और क्यू बी को अगर नैंड गेट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, 1 1 वाले को, अगर 0 वाले को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आउटपुट 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा तब भी क्लियर कोई काम नहीं करेगा। तो हमने वो ले लिए जिनसे हमारा नैंड गेट का आउटपुट 0 आ जाए, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो हमने इस तरह कनेक्ट कर दिया और क्लियर पे प्रोवाइड कर दिया, तो क्लियर पे 0 जब गया सारे, तो उसने क्या किया, ये जो 1 1 0 होने वाला था इसको पूरे को 0 0 0 बना दिया, फिर ऑपरेशन दोबारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी हमारे मॉड, अब सपोज हम बोलते हैं मॉड 10 या फिर बीसीडी, तो बीसीडी के केस में आपको कितने लेने पड़ेंगे फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप 4 लेने पड़ेंगे, ठीक है। और
मैं बस आपके उसके लिए बता रहा हूँ कि कोई डायग्राम यही देखते जाइएगा, एक फ्लिप फ्लॉप और लग जाएगा, बाकी सारा सर्किट आप काउंटर की तरह बनेगा। बस लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड 10 है ना, तो 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1010, ठीक है। तो ये होगा QD QD QC QB एंड QA। तो ये वाला डी और ये वाला बी, यहाँ से आउटपुट हम निकाल के एक नैंड गेट को प्रोवाइड करके उसके बाद हम इसको क्लियर सिग्नल बना लेंगे, ठीक है, और सब पे जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं सब पे दे देंगे। क्लियर? यस ठीक है, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है, बस लास्ट में जो एन नंबर पे उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालिए और यहाँ पर पोजीशन देख लीजिए आउटपुट पे कौन कौन सी पोजीशन पे आते हैं ये 1010, दो जितने भी वंस हैं, एक वन यहाँ डी पे आता है एक बी पे आता है, उन दोनों को करेक्ट करके नैंड गेट से फिर क्लियर इनपुट दे देना बस, ठीक है। तो यहाँ यस तक क्लियर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी जिसने भी किया था क्या स्क्रीन को क्लियर कर सकता है? मैं नोटेशन खोल रहा हूं, ठीक है, जिसने भी ये किया था ये प्लीज इरेज कर दो। अच्छा, कोई सामने नहीं आएगा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं सिंक्रोनस काउंटर की। तो सिंक्रोनस काउंटर के बारे में आपको पहले बता चुका हूं मैं कि इसमें हम लोग एक एक क्लॉक पल्स देते हैं, ठीक है, जो कि सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ मिलेगी, ठीक, सारे फ्लिप फ्लॉप को हम एक साथ क्लॉक प्रोवाइड करते हैं, ठीक। इसका डिजाइन का एक प्रोसीजर है, वो हम पहले पहले प्रोसीजर देख लेते हैं। आप इस ध्यान से देखिएगा इसको कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्टेट डायग्राम होना चाहिए, ऑब्टेन स्टेट डायग्राम, ठीक। डिटरमिन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, वो भी पता चल जाएगा आपको। राइट द एक्साइटेशन टेबल फॉर द अबव ऑब्टेन्ड फ्लिप फ्लॉप्स। देखो जो भी हम फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं उसकी हमें एक्साइटेशन टेबल चाहिए होगी, टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक। देन डेवलप दिस सर्किट स्टेट टेबल बाय यूजिंग एक्साइटेशन टेबल, ठीक है, जैसे हम पहले किया करते थे, हम जो भी सिक्वेंशियल सर्किट बनाते थे उसी का प्रोसीजर है सेम, ठीक है, जो स्टेट टेबल से स्टेट डायग्राम से बनाना होता था, तो सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पर लिखा है डेवलप दिस सर्किट एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। देन फिर हम क्या करते थे, डिटरमिन द एक्सप्रेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप इनपुट, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप इनपुट यूजिंग के मैप, ठीक, और फिर ड्रॉ
डी जो भी तुम्हारा सर्किट है, तो काफी कुछ वैसे ही लग रहा होगा, सेम है वैसे जो भी हम लोग पहले किया करते थे कि हमारे पास स्टेट टेबल होती थी और उससे हम लोग पूरा सर्किट ड्रॉ करते थे सिंथेसिस की जैसा। ठीक है, तो सिंथेसिस वो एक मेथड था, तरीका था बताने का, लेकिन उसे डिजाइन हम लोग क्या करते हैं, काउंटर भी डिजाइन करते हैं, इसीलिए अब यहाँ पर हम लोग यही करेंगे। तो अब यहाँ पर भी हम लोग जैसे बोलते हैं मॉडुलस एंड सिंक्रोनस काउंटर, ठीक है, एक हेडिंग डाल लेते हैं मॉडुलस एंड सिंक्रोनस काउंटर। ठीक, तो इसमें पहला केस हम ले लेते हैं, सपोज वी हैव टू डिजाइन मॉड 4, मॉड 4 काउंटर। ठीक है, तो मॉड 4 काउंटर में आपको पता है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने हैं, फ्लिप फ्लॉप्स आर 2। ठीक है, दो फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, तो सबसे पहला काम हमें करना था कि फ्लिप फ्लॉप कौन सा यूज होगा। अब कौन सा यूज होगा ये यहाँ बताया नहीं गया है, तो आप जो जनरल होता है उससे उसको यूज कर लीजिए, जे के, मैंने बोला ना यूनिवर्सल होता है, और इसको इन जनरल केसेस में हम लोग यही यूज कर सकते हैं। ठीक है, मॉड 4 काउंटर के लिए दो जे के फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, जे के फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, अच्छा स्टेट पहले बना लेते हैं, रुकिए। तो दो फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं, तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, अब प्रेजेंट स्टेट हमारी क्या है, 0 0 है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट देखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, पहले हम जेके फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल लिख लें। ठीक है, तो एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, थोड़ी हेल्प करिएगा आपकी। तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट, फिर नेक्स्ट स्टेट, फिर फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। ठीक है, तो पहला ये है क्यू एन, और ये हो गया क्यू एन प्लस 1, और ये हो गया आपके जे एन के। ठीक, तो कॉम्बिनेशन बना लीजिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 से 0 में आपका क्या रहा था, 0 0 में एक रिसेट कंडीशन पहुंचता है, आपके पास लिखी रखी जीरो होगी डॉट केयर, 0 डॉट केयर, डायरेक्टली लिख लेते हैं, बार बार उस चीज को बताने जरूरत नहीं है, बस देख लीजिएगा वही सही है। अब हम क्या करेंगे, जो भी सर्किट है हमारा एक्साइटेशन टेबल ऑफ सर्किट, ठीक, एक्साइटेशन ऑफ टेबल ऑफ सर्किट देखेंगे। तो इसमें भी 4 केसेस होंगे हमारे पास, तो अब इसमें पहले हम बनाते हैं प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, फिर नेक्स्ट स्टेट,
देन फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। ठीक, तो प्रेजेंट स्टेट में आपके पास होना चाहिए क्यू ए क्यू बी, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेट में भी क्यू ए और क्यू बी, और ये हो जाएगा जे ए के ए जे बी के बी। ठीक, कैसे हम बना लें, प्रेजेंट स्टेट 00 01 10 11, नेक्स्ट स्टेट 00 के बाद 01 आती है, ठीक है, 01 के बाद 10 आएगी, ऊपर जो हमने डायग्राम बनाया हुआ ना हम उसी से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तो हमें सीक्वेंस मिल गया है, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सीक्वेंस बिगड़ जाए, जैसे पहले 0 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, ऐसा भी सीक्वेंस आ सकता है, ठीक है। यहाँ मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ जो भी हमारा स्टेट अब इसका अगर बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, पहले 0 से जाएंगे 3 पे, ठीक है, फिर 3 से 2 पे जाएंगे, 2 से 1 पे जाएंगे, और फिर 0 पे जाएंगे, तो ये ऑपोजिट हो गया ना, ठीक। या अभी इसमें बीच में अगर हमने क्या कर दिया, यहाँ 1 कर दिया और यहाँ 2 कर दिया, तो हम क्या करेंगे, 0 से यहाँ, ठीक है, फिर 3 से 1, फिर 2, फिर 0, इस तरह हमें चलना पड़ेगा। तो ये जो स्टेट्स भी हमें लिखनी है जस्ट उसी के हिसाब से लिखनी होगी, ठीक है, अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 के बाद